दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने और उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को झूठ की दुकान करार देते हुए कहा कि पार्टी ने झूठ बोलने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और बीजेपी का नाम बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठ के पुलों ने यह साबित किया कि उनका उद्देश्य दिल्ली वासियों को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं को रोकना है। केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते, कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते इसकी माताओं बहनों की बस की यात्रा, ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है।